बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिस शेफ सिद्दीकी हूँ। आज मैं कीमा और आलू का आउटलॉक बना रही हूँ। यहाँ पे कीमा, प्याज और आयल के अंदर फ्राई किए और यहाँ पे आलू पक रहे हैं। कीमा फ्राई हो गया, आलू पकने लगे, इसमें अब ग्रीन प्याज। प्याज को खुले पानी में धोया, इसमें आप जो मर्जी डालना है, जैसे रायता रखना है, हल्दी, जो भी डालना है आपने। ये सूरत मिर्ची डाल रही हूँ, ये आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। देखिए देखिए लहसुन, हाँ लहसुन का लहसुन कहते हैं लोग जल्दी नहीं कहते तो हाँ गार्लिक का पाउडर। ये नमक डाल दें आप, फ्रेश काली मिर्च डाल रही हो, पीसी हो गया। इस पर आप व्हिपिंग क्रीम भी डाल सकते हैं या आप टमाटर पेस्ट सब भी बना सकते हैं, लेकिन जायका इसमें ही है। एक व्हिपिंग क्रीम डाल रही है इसमें, एक काफ़ी है इसमें। सी इसमें आलू पहले से पके हुए हैं। कीमा पक गया और अब एक और व्हिपिंग क्रीम दे रही हूँ, हल्का सा यहाँ पे ऐसे डाल रही हूँ, सारी डब्बी नहीं सिर्फ थोड़ा सा। थोड़ा सा नमक और ये सुरख मिर्ची डाल रही हूँ, मिक्स कर लें और आप कीमा डाल रही हैं इसमें। अब इसको ऐसे ऊपर रख रही हूँ, आप किसी दावत पर बना सकते हैं या बच्चों के लिए। इसमें चीज या मोत्सरेला जो भी डालना आप डाल लें। साथ मैंने केक बनाया है, मेरी सहेली की सालगिरह, और इसको आप ओवन में रखेंगे 20 मिनट के लिए। साथ मैंने केक बनाया है, मेरी सहेली की सालगिरह है, और इसको आप ओवन में रखेंगे 20 मिनट के लिए। यह मैंने चॉकलेट पिघलाई है, अब इसके ऊपर ऐसे आप दे दें। इसकी शो, असल शो चॉकलेट सी बनती है। इसको आप ऐसे पूरे केक के ऊपर ऐसे कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये तैयार है, आप घर में जरूर ट्राई कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हो गया तभी।